नमस्कार। देश के जाने माने संत प्रेमानंद महाराज और शिव महापुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा के बीच राधा रानी विषय पर चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल पिछले दिनों कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह अपने मन से राधा रानी के बारे में बताते हुए राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम अन्य घोष था, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी? राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। बस यही वीडियो देखकर प्रेमानंद महाराज का गुस्सा फूट गया और उन्होंने कहा कि चार श्लोक पढ़कर तुम खुद को कथावाचक कहते हो, राधा जी के बारे में क्या जानते हो? प्रेमानंद महाराज का गुस्से वाला एक वीडियो भी वायरल हुआ। प्रेमानंद महाराज का जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को उनके राधा रानी वाले बयान को लेकर लताड़ा और कह दिया कि नरक में भी स्थान नहीं मिला। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा, है चार श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती? चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है, तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वा आनंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में दो रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, दो नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिने कवन अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा, नाम छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब काहे। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति, तो तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को मूर्खों को रिझाकर भागवता चार्य बन करके तू प्रभु के प्रति बोले, ये बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं कि बरसाने में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पूजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को कुछ जान जाएगा? प्यार ओढ़ुम छम देने अच्छे सुखादे नाम तो ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखाद के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ, ये चार श्लोक पढ़ लिए भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे, ध्यान रखना। वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए।
उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी कहा कि सोशल मीडिया वालों ने मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वीडियो को वायरल किया है। हालांकि बदनाम करने वालों ने नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण और मीरा जैसों को भी नहीं छोड़ा तो हमें क्या छोड़ेंगे। राधा रानी मेरी माँ हैं, उनके यहाँ चाकरी करने और झाड़ू लगाने से भी मुझे कोई गुरेज नहीं। व्यास पीठ से जवाब दे रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए उनके लिए कुबेश्वर धाम खुला पड़ा है। साथ ही जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उन्हें राधा रानी और शिवजी महाराज माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि प्रेमानंद महाराज विद्वत संत हैं, इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं है। वे राधा रानी और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। मुझे एक फोन करके कह देते कि प्रदीप तुझे आना है तो मैं दंडवत करते हुए जाता और चरण धोकर आचमन करके जवाब देकर आता। उसका संदर्भ ब्रह्म वैवतर्य पुराण, राधा रहस्य, काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक, ब्रज 84 कोष में अन्य घोष के मंदिर से लिया गया है। ब्रह्म वैवर्त्य के 174 नंबर पेज पर इसका वर्णन है। फिलहाल भले ही दो महान संतों के बीच किसी विषय पर विवाद हुआ हो, लेकिन यह भी उम्मीद है कि जहां दोनों के ही देश में लाखों अनुयायी हैं, ऐसे में उन्हें इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो यह विवाद संतों के बाद दोनों पक्षों के भक्तों में भी नजर आने लगेगा। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।